कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आया, जो कानून का रूप धारण कर चुका है, उसको लेकर जो कांग्रेस आरजेडी के लोगों ने एक भ्रम की स्थिति पैदा की और ये प्रचार किया कि इसमें मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाएगा, उनका मतदान का अधिकार छीन लिया जाएगा, उनकी नागरिकता को ख़त्म कर दिया जाएगा, तो हम लोग सेमिनार, गोष्ठी, सम्मेलनों के द्वारा और इस व्यापक जनसंपर्क के द्वारा उस भ्रम को दूर कर रहे हैं और इस हैंडबिल के अंदर संक्षेप में सारी बातें लिखी कि किस प्रकार पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया और 3 दिन पहले ननकाना साहिब पर जिस प्रकार का हमला हुआ, एक सिख लड़की का अपहरण कर उसका धर्मांतरण कर उसकी शादी कर दी गई, ये तो एक उदाहरण है। इस तरह के हजारों उदाहरण होंगे। पिछले 72 साल में पाकिस्तान बांग्लादेश में हजारों हिंदू सिख ईसाई लड़कियों को का धर्मांतरण कर दिया गया, उनको घर परिवार छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया, तो ऐसे धार्मिक कारणों से जिनको पाकिस्तान बांग्लादेश छोड़ना पड़ा है उनके लिए नागरिकता विधेयक है, ये नागरिकता का कानून है, ये किसी का ये नागरिकता छीनने का कानून नहीं है।